कोरोना वैश्विक महामारी के चलते बहुत दिन वीडियो नहीं बना पाए, माफ़ कीजिएगा। 2 दिन पहले हम कोलकाता के रिसर्च में आए थे। एक और बात, अब से शायद मैं हिंदी में ही वीडियो बनाऊंगा। क्या इंसान थे जेम्स विंसेप? हर अंग्रेज अत्याचारी नहीं था, कुछ ऐसे भी थे जो भारत देश को बहुत कुछ दिए गए थे, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डालहौजी, जिम कॉर्बेट इत्यादि। लेकिन एक ऐसा भी इंसान था जिसको शायद कोई नहीं जानता हो। ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 21 साल का जीवन काल में साइंस, हिस्ट्री, मेटलर्जी, सिविल इंजीनियरिंग, सोसाइटी, कृषि, यहाँ तक कि बायोलॉजी में भी भारत तथा विश्व में योगदान छोड़ के गया। पहले तो जेम्स विंसेप एक सिक्का बनाने में जुटे हुए थे। वहाँ से उन्होंने खरोस्ती और ब्राह्मी स्क्रिप्ट डिकोड किए। फिर उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी का एडिटर का पोस्ट संभाला। सिविल इंजीनियरिंग में भी इनका ड्राइंग और सर्वेइंग प्रसिद्ध था। इन्होंने बैरोमीटर भी बनाया था। लोहे को जंग लगने से बचाने में भी रिसर्च किए थे। इनका आर्किटेक्चर में बहुत शौक था, लेकिन बीमारी के कारण इनका आँख में दिक्कत हो गया था, इसलिए तो इन्होंने मिंट में मेटलर्जी डिपार्टमेंट में काम करने लगे। लेकिन जब उनका आँख थोड़ा सा ठीक होने लगा तो बनारस जाके इन्होंने मंदिरों का आर्किटेक्चर पे रिसर्च किया। वहाँ का टकसाल और एक गिरजाघर भी इनका देन है। पूरे बनारस का सर्वे का श्रेय भी इनको जाता है। और एक मैप भी तैयार किए, टनल और ब्रिज भी बनाए। इन्होंने हुगली और गंगा के बीच में इंटरलिंक कैनल्स बनाए। इनका नाम से एक पौधा भी है जो बायोलॉजी में इनका योगदान है। ये मॉन्यूमेंट कोई मकबरा तो नहीं है, लेकिन जेम्स विंसेप का समाधि कह सकते हैं। ये एक सिमेट्रिकल आर्किटेक्चर का मॉन्यूमेंट है। अब से मैं और फ्रिक्वेंटली वीडियो डालूँगा, तो कृपया घंटी बजा दीजिएगा। थैंक यू।